दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस ब्लैंक फॉर्मूले के बारे में पता नहीं होगा। एक्सेल के जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला जानना बहुत ही जरूरी है। इस ब्लैंक फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अभी ये किस तरह से करना है अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ डेटाबेस रखा हुआ है, इसको मैं फिल्टर करके आपको बताता हूँ कौन से फील्ड पर कितना ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ पर एक काम करेंगे, डेट का कॉलम आप देख सकते हो। डेट के कॉलम पर यहाँ पर 2018 से लेकर 2024 तक डेटा है और उसके साथ साथ नीचे ब्लैंक्स भी पड़ा हुआ है दोस्तों। ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये सारे ब्लैंक्स है। ठीक है, अभी हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लैंक्स है। इसी के लिए आपको इस ब्लैंक फॉर्मूला चलाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कौन से फील्ड पर कितना ब्लैंक्स है और कितने नॉन ब्लैंक्स है। ठीक है, इसको मैं फिल्टर को हटाता हूँ। और भी बहुत सारा फील्ड्स पर ब्लैंक्स पड़ा हुआ है। टोटल नेट सेल्स का एक फील्ड को भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एंडिंग पर सारे ब्लैंक्स हैं, ये सारे ब्लैंक्स हैं। तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कितने ब्लैंक्स हैं और इसमें मुझे किस तरह से एडिट करना है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कितना ब्लैंक्स है कौन से कॉलम पर। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, फिल्टर को हटा देंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर एक फील्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ, इस ब्लैंक करके मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इज इक्वल टू लेना है, इस ब्लैंक को ले लिया। लेने के बाद आपको कौन से फील्ड पर जानना है कितना ब्लैंक्स है कितना नॉन ब्लैंक्स है, वो वाले फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको पूरा सेलेक्ट करना है, इसमें कुछ कंडीशन नहीं है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी कंडीशन नहीं है, बस पूरा फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर करना है। ठीक है, करने के बाद अभी क्या करेंगे, सारा फॉर्मूले में नीचे तक जितना भी आपका डेटा रहेगा, ठीक है, जितना भी आपका डेटा रहेगा उतना आपको पेस्ट कर देना है। किस तरह से करना है, यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा सारा डेटा नीचे तक है, इसको सारा टोटल नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से फॉर्मूले में पेस्ट कर देंगे। करने के बाद अभी फिल्टर को चलाएंगे। फिल्टर में क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स करके आएगा। जो फॉल्स रहेगा वो आपका नॉन ब्लैंक्स रहेगा। एक बार फॉल्स को सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। हमने डेट का कॉलम चेक किया था, इससे पहले आप देख सकते हो 2018 के नीचे ब्लैंक्स आ रहा था, अभी ब्लैंक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारा ब्लैंक्स नहीं है, ट्रू जो रहेगा वो ब्लैंक्स रहेगा। ठीक है, अभी ट्रू को फिल्टर करके डेट का कॉलम बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे ब्लैंक्स हैं। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो, इसमें आपको कुछ फिल करना है तो कर सकते हो, या फिर ये अनवांटेड फील्ड है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको इस ब्लैंक फॉर्मूला चलाना है। फिल्टर को निकालता हूँ, ये फॉर्मूले को भी निकालता हूँ, और इसका कंडीशन ये भी आप किसी भी टेक्स्ट पे भी चला सकते हो, या फिर किसी भी न्यूमरिक का जो फील्ड रहेगा उस पर भी ये फॉर्मूला आप चला सकते हो दोस्तों। इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है। किस तरह चलाना है, इस ब्लैंक को लेना है। लेने के बाद टोटल नेट सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है। फॉर्मूले में नीचे तक जितना भी आपका डेटा रहेगा, ठीक है, उतना डेटा में आपको ये फॉर्मूले को इस तरह से पेस्ट कर देना है। फॉर्मूले में पेस्ट करना है। करने के बाद आपको करना क्या है, फिल्टर चला के आप देख लीजिए, जो फॉल्स रहेगा उसमें ब्लैंक्स नहीं रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हो नेट सेल्स का कॉलम नीचे तक, पहले इससे पहले ब्लैंक्स आ रहा था, अभी ब्लैंक्स नहीं आ रहा। जो ट्रू रहेगा वो आपको सारे ब्लैंक्स रहेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो ये सारा ब्लैंक्स। अभी आप इस फील्ड को चाहिए तो रख सकते हो, या फिर डिलीट कर सकते हो, या फिर इसमें कुछ फिल करना है तो आप कर सकते हो दोस्तों। इस तरह से आपको इस ब्लैंक फॉर्मूला चलाना है। इसका और भी मैं आपको एडवांस वर्जन आपको पार्ट टू में बताऊंगा। ये इस ब्लैंक का बेसिक था, पार्ट टू में आपको मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करके आपको बताऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और भी एक्सेल और एक्सेस के शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।